गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक छोटी सी पॉइंट लेकर आया हूँ इस पर हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे लर्न कर सकते हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे गलत यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में एवरीडे यूज सेंटेंसेस में वो करेक्शन हम इसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे एक छोटी सी पोइम है लेट्स गेट स्टार्टेड वो क्या पोइम है जो मैं आपको शो कर रहा हूं एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन स्ट्रीट एंड टाउन इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन हेल्प क्लैप देअ हैंड्स The adjective describes a thing as magic, wind, and bridal ring. The verb means action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done are uh, the adverbs tells, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation as in street or at the station conjunctions join in many ways sentences words or phrase or phrases clear uh, the interjection cries out as hawk i need an exclamation mark through the poetry we learn how each of them make up द पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इस पोइम के द्वारा ये जानने की कोशिश की है ये जानने का प्रयत्न किया है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कैसे लर्न किए जा सकते हैं वो क्या हमें बताते हैं कि आ, कैसे जो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और हम इसको किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हम कैसे नहीं कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे अ नाइस डे ऑल ऑफ यू